खराब लाइफस्टाइल और खान पान में गड़बड़ी की वजह से अक्सर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। हाई बीपी एक दिन में शुरू नहीं होती, बल्कि ये कई खराब लाइफस्टाइल्स और खान पान का नतीजा होता है। ब्लड प्रेशर हाई होने से चक्कर आना, शरीर में सुस्ती छाना, कमजोरी, धुंधला दिखाई देना, सीने में दर्द जैसी परेशानियां होती हैं। हाई बीपी को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। जब नसों में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो गंभीर परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से गैस या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। पर इसी के साथ मन में एक सवाल उठता है कि क्या पेट की गैस हाई बीपी का कारण बनती है? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। देखिए, बीपी दो तरह की होती है, एक में बीपी हाई तो एक में लो हो जाता है। हाई बीपी में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की शिकायत हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से कई कारण हो सकते हैं। कई कारण से हाई बीपी ट्रिगर हो सकता है। पेट में एसिड का बैलेंस बिगड़ने की वजह से भी ये हो सकता है। ब्लड प्रेशर की वजह से पेट में गैस की दिक्कत हो सकती है। इतना ही नहीं, ब्लड प्रेशर कम है या ज्यादा तो उसकी सही माप से ही उसको पता लगाया जा सकता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए सिस्टोमेटिक और डायस्टोलिक आंकड़ों को देखा जाता है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर की सामान्य रीडिंग 120 mmHg और डायस्टोलिक 80 mmHg है। अगर ये रेंज सिस्टोलिक यानी कि 130 से 139 mm के बीच और डायस्टोलिक 80 से 90 mm के बीच हो जाती है तो इसे हाई बीपी समझा जाता है। अब हाई बीपी के भी पांच लक्षण होते हैं, जैसे सिर दर्द, सांस फूलना, नाक से खून आना, झटके आना, सीने में दर्द होना, ये सभी हाई बीपी के लक्षण हैं। अगर आपके पेट में गैस बन रही है तो बेशक ये आपका बीपी को ट्रिगर कर सकती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।